हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू अनदर वीडियो। तो आज का ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओनली बीपीयूटी राउरकेला के बारे में, जो भी तुम्हारा बीटेक एंड एमटेक डुअल डिग्री, उनका जो भी एडमिशन डेट एंड फीस, अबाउट हॉस्टल, सभी एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, पूरा आपको समझ आ जाएगा कि आपका कौन सी डेट में एडमिशन होना चाहिए एंड कौन सा तुम्हारा फीस कितना होगा एंड हॉस्टल एडमिशन कैसे होगा, कितना हॉस्टल अवेलेबल है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इधर देख सकते हो, द कैंडिडेट हु आर एलोटेड बीपीयूटी राउरकेला कैन रिपोर्ट द हॉस्टल इन द फॉलोइंग डेट। ओके, आपका इधर अवेलेबल है 29/8/2023। तो 29 तारीख आपको जाके बीपीयूटी का जो CUPGS है, CUPGS मतलब सेंटर फॉर UG एंड PG स्टडीज, CUPGS बीपीयूटी में जो कि तुम्हारा अवेलेबल है राउरकेला में, तो उधर आपको जाके 29 तारीख रिपोर्ट करना होगा। द टाइम इज 10 AM फॉर द फर्स्ट ईयर बीटेक इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री एडमिशन एंड फॉर द ब्रांच CSE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। ओके, तो इधर आपका मेंशन है बैलेंस फीस पेएबल बाय कैंडिडेट इन रुपीज फॉर जनरल 28,400 फॉर TFW 16,400। तो ये जो है 28,000 ये तुम्हारा कॉलेज या कोर्स फी है, ओके, फॉर जनरल नॉन TFW के लिए, और जो कि TFW अलर्ट हुआ है जिस बच्चे का, उसका कोर्स फी है 16,400 एंड फॉर SC ST नॉन TFW 33,400, फॉर TFW 21,400। ये है तुम्हारा कॉलेज का कोर्स फी, ठीक है। ये जो अबव फीस है वो तुम्हारा क्या है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द 10,000 व्हिच इज गिवन टू द OJEE। ओके, तो ये 10,000 एक्सक्लूडेड करके ये दिया गया है, तो वो 10,000 डायरेक्ट कॉलेज को चला जाएगा। तो इधर लिखा है अबव मेंशनड अमाउंट इज एक्सक्लूडिंग हॉस्टल फीस, ये ओनली कोर्स फी का है। तो हॉस्टल फी का कितना फीस रहेगा, तो इधर आप देख सकते हो लिखा है द स्टूडेंट्स विलिंग टू रिसाइड इन हॉल ऑफ रेसिडेंस विल सबमिट ए डिमांड ड्राफ्ट। तो इधर ऑनलाइन पेमेंट आपका नहीं होगा, आपका ओनली कैश लेके जाना है, और उधर कॉलेज में जो भी बैंक अवेलेबल होगा उधर जाके डिमांड ड्राफ्ट करना होगा, जो कि तुम्हारा 6,100 रुपीज इन फेवर ऑफ बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब डिमांड ड्राफ्ट पे आप जो 2 लिखना है, कौन से अकाउंट पे, बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नाम का अकाउंट पे आपको 6,100, दिस इज फॉर एवरीवन, जो कि जो भी तुम्हारा हॉस्टल में रहने के चलाते हो तो 6,100 पे करना तुम्हारा मतलब मैंडेटरी है, ठीक है। ये फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, एंड आफ्टर दैट द बॉयज शुड मेक ए डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 19,000 टू द नाम ऑफ हिमालय हॉल ऑफ रेसिडेंस फॉर बॉयज एंड फॉर गर्ल्स गंगा हॉल ऑफ रेसिडेंस। सो इधर आपका 19,000 बोथ गर्ल्स एंड बॉयज पे करेंगे फॉर मैस एडवांस एंड जो 6,100 तुम्हारा हॉस्टल एडवांस है, ठीक है। तो ये टोटल हो गया तुम्हारा कितना, 19,000 एक अलग एक डिमांड ड्राफ्ट करना है, 6,100 अलग एक डिमांड करना है, ठीक है। तो डिमांड ड्राफ्ट 2 होगा, एक होगा कॉलेज के नाम से और एक होगा बॉयज का हिमालय हॉल ऑफ रेसिडेंस एंड गर्ल्स का गंगा हॉल ऑफ रेसिडेंस। और ये जो इधर लिखा है 28,000 ये तुम्हारा डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, कॉलेज फीस होगा, ठीक है। तो उसके बाद बात करेंगे तुम्हारा द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर मैंडेटरी फॉर नाउ एडमिशन टाइम, इन द एडमिशन टाइम। सो ये अभी से आप मार्क कर लो, जो भी डॉक्यूमेंट्स में बोल रहा हूँ इधर जो भी लिखा है वो अभी से नोट कर लो और एक चेकलिस्ट बना लो, एक एक टिक करके जाओ, जो भी एक एक डॉक्यूमेंट्स भर के टिक करके जाओ। तुम्हारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट है मार्कशीट एंड ग्रेड शीट ऑफ 10th और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, देन कॉलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ओके, देन तुम्हारा ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि तुम्हारा जो कोई भी मेडिकल से मिल जाएगा, और एक डिमांड ड्राफ्ट जो किए होगे उसका
मतलब रिसिप्ट, ओजेई रैंक कार्ड, ओजेई फाइनल एडमिट लेटर, जेरॉक्स कॉपी ऑफ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जेरॉक्स कॉपी ऑफ एससी एसटी एंड ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट, ओके, एंड जो भी तुम्हारा चालान किए होगे 10,000 और 5,000 उसका जेरोक्स, उसके बाद आधार कार्ड का ओरिजिनल प्लस सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी, ओके, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये जेरोक्स कॉपी करके लेना है, उसके साथ ओरिजिनल भी लेके जाना है, क्योंकि ओरिजिनल उधर मतलब चेक करेंगे एडमिशन के टाइम, ठीक है। तो ये था तुम्हारा जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और तुम्हारा फीस विच विल बी पेएबल द हॉस्टल एंड कॉलेज फीस, ओके, और तुम्हारा मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी से आप क्या कर लो, जो एफिडेविट है, जो कि तुम्हारा स्टूडेंट एफिडेविट एक होता है और एक होता है पेरेंट्स एफिडेविट, तो आपको अभी से बना लो, वो तुम्हारा जो भी नोटरी है तुम्हारे आसपास में, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका, उसी में जाके आप नोटरी को बोलो कि हमको ये एंटी रैगिंग एफिडेविट एक बनाना है, तो ये फॉर्मेट इधर गिवन है, तो ये फॉर्मेट के लेके जाओ डायरेक्ट वो नोटरी को बोलो कि एफिडेविट आप ये करना है एंटी रैगिंग एफिडेविट, तो ये फॉर्मेट देने के बाद वो तुम्हारा फिल कर देगा, जो कि तुम्हारा 10 रुपीज़ वाला जो भी स्टाम्प पेपर है उसमें करना है, इधर मेंशन है 10 रुपीज़ वाला स्टाम्प पेपर, तो उधर मेंशन करके लाना, ठीक है। तो ये था जो भी डॉक्यूमेंट्स, तो और एक अंडरटेकिंग है जिसको आप प्रिंट करके लिख के आना है, भर के लाना है, ठीक है, वो एडमिशन के टाइम। तो आई थिंक दिस विल क्लियर ऑल योर डाउट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स टिल नाउ देन यू कैन कमेंट हियर, यू कैन मैसेज मी इन इंस्टाग्राम एंड यू ऑल्सो कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, ओके, सो थैंक यू।